पति की सहमति की बात सुनकर टीना के ठीक पीछे खड़ी रोमा के चेहरे पर भी खुशी की लकीर दौड़ पड़ी। टीना ने एक झटके में ही प्रीति का सारा गेम पलट कर रख दिया था। प्रीति को इससे ज्यादा गुस्सा इस बात पर आ रहा था कि टीना ने आखिर उसके साथ ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत कहां से जुटाई। प्रीति ने अपने गुस्से को समेटते हुए टीना की बात मानी। उसके पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता था भी तो नहीं। अब से टीना पीजी ग्रुप में बिल्कुल फ्री होके काम करेगी। उसे ना सिर्फ खुद के डिसीजंस लेने का अधिकार होगा बल्कि अब वो अलग से अपनी पसंद की जॉब भी कर पाएगी। एक तरह से टीना अब अपनी कॉन्ट्रैक्ट से भी पूरी तरह फ्री हो चुकी है। ये सब करना उसके लिए बहुत जरूरी था, वरना प्रणय, यूसुफ और प्रीति जैसे लोग मिलकर हमेशा उसका फायदा उठाते रहेंगे। उधर टीना की इस शर्त को सुनकर रोमा भी काफी खुश थी। वो ये मानती थी कि टीना आज ये सब कर पा रही है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं उसकी असिस्टेंट और मैनेजर का भी सहयोग है। लेकिन फिर भी इस इंडस्ट्री में उसने टीना जैसी बहादुर आर्टिस्ट नहीं देखी थी। निश्चित रूप से टीना एक दिन इस इंडस्ट्री की टॉप मॉडल बनकर सामने आएगी। साथ ही टीना के साथ उसके मैनेजर के रूप में उसे भी काफी कुछ सीखने को मिलेगा। टीना के दिल को भी अपनी ये शर्त रखने के बाद ही ठंडक मिल रही थी। अभी तक वो यूसुफा के लिए सब्स्टिट्यूट बनकर स्टेज पर नजर आई है, लेकिन आज तक उसका और यूसुफा का आमना सामना कभी नहीं हुआ है। अब एक ही स्टेज पर जब दोनों साथ नजर आएंगी तब वो एक दूसरे से कम्पीट करेंगी और फिर लोगों को साफ साफ समझ आएगा कि टीना और यूसुफा में बेहतर कौन है। अब इस समझौते के होने के बाद पीजी ग्रुप सिर्फ अपने मन का काम टीना के ऊपर नहीं थोप सकता है। अब टीना को मिलने वाले हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंपनी की हायर अथॉरिटी की वोटिंग होगी और फिर इसमें टीना की भी राय ली जाएगी। सबसे बड़ी बात, अब प्रणय ना तो टीना से अपने मन का कोई काम करवा सकता है और ना ही उससे कुछ छिपा सकता है। वहीं दूसरी तरफ टीना अपने पसंद की जॉब करने का उद्देश्य सिर्फ ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने के लिए ही था और अब इसमें पीजी ग्रुप कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है। इसी के साथ टीना ने अब सीक्रेट मैगजीन के फोटोशूट में यूसुफा को अपने साथ काम करने की इजाजत दे दी थी। अब दोनों इस फोटोशूट में एक साथ नजर आने वाले हैं। टीना का फैसला सुनने के बाद मीना को थोड़ा आश्चर्य हुआ, आखिर टीना ने यूसुफा को शूट में शामिल कैसे कर लिया जबकि इन लोगों ने उसे बर्बाद करने की कोशिश की थी। अंदर ही अंदर अब वो टीना को रिस्पेक्ट करने लग गई थी। टीना, पहले ही गलती के लिए मैं एक बार फिर से तुमसे माफी मांग रही हूँ। अब बहुत ही जल्द तुम हमारी मैगजीन के फ्रंट पेज पर नजर आने वाली हो, मिस मीना ने टीना की तरफ देखते हुए कहा। इट्स ओके, टीना ने जवाब दिया। हाँ, तुम दोनों के फोटोशूट के लिए ऑल द बेस्ट, मिस मीना ने मुस्कुराते हुए कहा। आज से प्रणय और टीना के बीच लड़ाई की एक बड़ी लकीर खिंच चुकी थी, लेकिन टीना किसी से भी डरती नहीं है। अब वो पहले जैसी नहीं रही, अब वो इन सबका डट कर सामना करने की हिम्मत रखती है। टीना मीटिंग रूम से निकलने ही वाली थी कि प्रीति उससे बोल पड़ी। टीना, मुझे नहीं पता कि तुम बहुत ज्यादा चालाक हो या बहुत बड़ी बेवकूफ। तुम पहले बहुत फेमस मॉडल थी लेकिन अब कुछ नहीं हो। आखिर तुम कंपनी के विरुद्ध जाकर कैसे खुद को सक्सेसफुल बनाओगे, ये मुझे भी देखना है। बस कुछ दिन खुशियां मना लो, फिर देखो तुम्हारा क्या हाल होता है। आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, टीना ने आराम से जवाब दिया। तभी टीना के पीछे से खड़ी रितिका बुदबुदाई। अगर टीना सब कुछ खो देगी ना, फिर भी वो आर आर इंटरनेशनल के सीईओ की पत्नी रहेगी। जिस दिन तुम बेवकूफों को ये बात पता चलेगी ना, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। टीना, मुझे तुम्हारे साथ बिताया हुआ एक एक पल आज तक याद है, लेकिन अब मैं तुमसे सिर्फ नफरत करता हूँ, प्रणय ने टीना को ठंडी आंखों से घूरते हुए कहा। प्रणय की बात सुनकर यूसुफा काफी खुश थी। ऐसा पहली बार हो रहा था जब प्रणय उसके सामने ही टीना को जलील कर रहा था। अब वो एक बात से निश्चिंत थी कि टीना और प्रणय अब कभी एक दूसरे के नहीं होने वाले हैं। प्रणय की बातों का टीना पर कोई असर नहीं पड़ा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है तुम्हें अब तक मेरी नफरत का भी अंदाजा हो गया होगा, जो मैं तुमसे बहुत दिनों से करती आ रही हूँ। इतना कहकर टीना कमरे से बाहर चली गई। इसके बाद टीना अपनी असिस्टेंट रुतिका और मैनेजर रोमा के साथ बाहर खड़ी कार में सवार हुई और सीक्रेट के ऑफिस से निकल गई। मजा आ गया आज तो, रुतिका ने कार में बैठते ही कहा। आज तो पार्टी का दिन है। जब प्रीति गुस्से में बोल रही थी ना, उस टाइम उसकी फोटो क्लिक कर लेनी थी, फिर बाद में उसे दिखाती कि वो कितनी अजीब लग रही थी। कार ड्राइव करते हुए रोमा ने फ्रंट मिरर से टीना को देखते हुए कहा, अच्छा टीना, ये जो कंडीशन आज तुमने रखी है, ये सब तुम्हारा पहले से ही प्लान था ना?
अगर मैं ये सब नहीं करती तो यूसुफा हमेशा मुझे नीचे धकेल कर खुद को आगे बढ़ाने में लगी रहती। इसी वजह से मुझे उन लोगों के आगे ये सब शर्त रखनी पड़ी। अब तुम आसानी से यूसुफा को नीचे ला दोगी ना? अभी रोमा को ये नहीं पता था कि यूसुफा प्रेग्नेंट है। बट अभी ये सही टाइम नहीं है, टीना ने जवाब दिया। रोमा ने सवाल पूछना बंद कर दिया। उसे पता था कि जब भी सही समय आएगा टीना उसे सब कुछ बता देगी। उसे बस टीना पर अपना विश्वास बनाना है, तभी उसकी बॉन्डिंग टीना के साथ बेहतर हो सकेगी। टीना के घर पहुंचने पर वहां रणविजय घर पर नहीं था। तीनों थके हुए थे और जाके लिविंग रूम के सोफे पर बैठ गए। टीना प्लीज आज कुछ अपने हाथ से बनाकर खिला दो, अमेरिकन फूड खा खा कर थक गए यार, रितिका ने थकान भरी आवाज में कहा। लेकिन आज मैं कुछ नहीं करना चाहती, बस थक गई हूँ, टीना ने जवाब दिया। हे भगवान, अभी हमें एक हफ्ते तक सिर्फ चिप्स और हैमबर्गर खाकर जीना होगा। रणविजय से कहो वो खाना बना लेता, लेकिन तुम दोनों के लिए वो शायद ही बनाएगा, टीना ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, क्या बात कर रहे हो, रणविजय सर को खाना पकाना भी आता है, रितिका ने आश्चर्य से अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा। हाँ ठीक ठाक बना लेते हैं, टीना ने बताया। टीना टीना प्लीज तुम उनसे कहो ना एक बार खाना बनाने के लिए, हमें भी टेस्ट करना है उनके हाथ का खाना, प्लीज, रितिका ने टीना के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा। अरे इतना रिक्वेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है, मैं बना दूंगा, अचानक पीछे से रणविजय की आवाज आई। तीनों ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां